वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल। तो गाइस आज हम आए अजमेर शरीफ दरगाह, तो हम आए प्रकाश रोड नगरा, तो ननकी भवन में अंदर चलते हैं एक बार। हेलो भैया, कैसे हैं? बस बढ़िया, वेलकम सर होटल ग्रैंड एंट्री पैलेस। तो भैया आए हमारे कमल भाई, कमल भाई आपको बताएंगे इस होटल की सारी चीजें, होटल में क्या क्या है, सारे रूम्स दिखाएंगे आपको, कितने प्राइस में, लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में कितने प्राइस में हो जाता है रूम यहाँ डिलेक्स जो है वो एक्सेट जो आप बिल्डिंग है अभी अपन वहाँ चलेंगे, हमें दिखाएंगे और सुपर डिलेक्स और स्वीट यहाँ पे। तो डिलेक्स और सुपर डिलेक्स में मतलब प्राइस में क्या अंतर है? सुपर डिलेक्स के 1815 और स्वीट के है 2500। ओके, और अपने जो बैक साइड या डिलेक्स है वो 999। भाई आपको नॉर्मल मिल जाएगा यहाँ पे 999 में, डिलेक्स मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा रूम है, और आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा यहाँ पे, सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको, रेस्टोरेंट, खाना पीना जो मतलब खाना है, बार भी है, पीछे बार भी दिखाएंगे, भैया ने बार बताया था तो बार भी दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे आपको। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको अजमेर आना है और विजिट करना है तो मैं आपको लिंक में इसके नंबर दे दूंगा यहाँ पे नीचे, और आप नंबर पे कॉल करें, डायरेक्ट विजिट करें यहाँ पे आके भैया के पास, मैं भैया का नंबर डाल दूंगा, आपको नंबर पे क्लिक फ़ोन करना है और भैया से डायरेक्ट बात करनी है। अगर मेरा रेफरेंस लोगे तो हो सकता है 150 रुपये और कम हो जाए, ऐसा बात नहीं है, कर देंगे। आप बोलना कि भैया इनका उन्हें वीडियो देखी थी तो कम करो, तो 150 रुपये कम जरूर करेंगे, आपको कुछ कंसेशन करेंगे। तो आइए विजिट करते हैं रूम। तो गाइज आपको यहाँ से मिलने वाला है एकदम लग्जरीस रूम, देख रहे हैं आप, इंटीरियर देखो इसका, कुछ कमल भाई बताएंगे आपको इसके बारे में। ये रूम है सुपीरियर डिलक्स रूम है, इसकी रेट है 1815 पर नाइट टू ऑक्यूपेंसी, और इसमें बाथरूम वगैरह देखते हैं अपन। लग्जरी बाथ वगैरह सब है इसमें, इधर वगैरह ये कवर्ड है अभी इसमें आपको, और ये पूरा गीजर लगा हुआ है, सर्दी में अगर आप नहा रहे हैं ना, सर्दी होती है बहुत से लोगों को सर्दी लगती है ज्यादा, तो उनको नहाना है तो गीजर वीजर अवेलेबल है यहाँ पे, और दिखाएंगे आप दो लोग हो उनके लिए चेयर अवेलेबल है, बैठ चाय पी सकते हो आराम से पूरा ये, और ये एसी है, विंडो एसी रूम है, और यहाँ पे आप चाय पी सकते हो ना आराम से बैठ के, एकदम लग्जरी है देखो, मेरा मतलब मजा आ गया आपको बैठ के, इतना इजीली है, और यहाँ पे जो एलईडी लगी हुई है यहाँ पे आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं, फिर स्पीकर 6-6 स्पीकर दिए भैया ने, कमल आओ दूसरा देखते हैं। दूसरा रूम भी उसी तरह है पहले की तरह, फुली इंटीरियर है, फुली फर्निश्ड है, बेड आपको मिल जाएंगे 8 इंच के गद्दे मिलेंगे, 12 इंच के गद्दे मिलेंगे, 8 इंच के होंगे सिलीवेल के, और इसका भी टॉयलेट ऐसा ही है शायद, मतलब लग्जरीज ना आपको भर भर के मिल जाएगी यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस होटल में विजिट करते हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखा हुआ है आपके रहने का, आने का, पीने का, खाने का, सारा आपको यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी चीजें मिल जाएंगी। और दिखाता हूँ आपको, ये दिखाता हूँ, यहाँ डाइनिंग टेबल है 8 लोगों का, 6 और 2 8 लोगों का डाइनिंग टेबल भी है, कुछ लोग एकदम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, मेरे घर में भी डाइनिंग टेबल है, तो मुझे तो इसीलिए ये अच्छा लगा कि मैं आराम से इस पे बैठ के खाना खाऊं। इसके मैं आपको बता रहा हूँ 10 में से इसको स्टार देंगे तो कम से कम 10 में से 9 स्टार, होटल इतना प्यारा लगा मेरे को, और आप अभी भी अजमेर आओ ना इसको विजिट करो, और आपके अफोर्डेबल प्राइस में ये होटल, ऐसा नहीं ये तो सुपर डिलक्स है, हम आपको डिलक्स भी दिखाएंगे अभी। तो गाइस आप देख रहे हो नीचे से रिसेप्शन कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ पे, एकदम MDF की जो शेप दी है ना लुकिंग में, जो मन लगे लाइटिंग वाइटिंग फुल मजा आने वाला है आपको यहाँ पे अगर अजमेर में आएंगे, इतने अच्छे होटल मिलते नहीं है अजमेर में। प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और इसके साथ ये रूम भी है, क्या थी रूम है देखो, ये थोड़ा इसमें तो कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है पूरा ही, तो आराम से इंजॉय कर सकते हो आप अपने सफर को, अपने टूर को, आप हमें देखते हैं पहले भैया बैठा है, तो वेटर की रिक्वायरमेंट है तो वेटर बुला लेगा, वाटर चाहिए वाटर, अगर बिल की लास्ट में खाना खा के बिल चाहिए तो बिल मंगा लेगा उससे। तो आइए देखते हैं, और हमारे कमल भाई बताएंगे आपको
हवेली के साथ में जस्ट पास में एक रॉयल कैफे भी है, वहाँ पे बन तो गाइज यहाँ आ गए हम यहाँ पे कैफे में, तो काफी लग्जरियस आता है और यहाँ पे वो पोल खेल, एक बार मैं खेल के बताता हूँ देखो कभी भी आऊंगा। यहाँ पे विजिट करने वाले हैं अभी, लेकिन भाई ये हकीकत है आपको ऐसा होटल कहीं नहीं मिलेगा अजमेर के अंदर जितना प्यारा होटल है, सच बता रहा हूँ। तो गाइज अभी हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ का फेमस सी स्मेल, आओ भैया आपने इनक्रेडिबल अद्भुत गाइज देख रहे हो आप कितना प्यारा है भाई, कैमरा घुमाओ आप जरा इधर देख रहे हो आप कितना मतलब यह म्यूजिक के साथ में राजस्थानी म्यूजिक टन 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 करके आराम से, और मिस्र की सभ्यता की मतलब मिस्र के जो ममीज होती हैं देखो, ममीज का भी कुछ इंटीरियर रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये ममीज नहीं बोल सकते इनको, हमारे इंडिया की होंगी। और ये कुछ लोटस हैं, अगर इंटीरियर की बात करें ना भाई लग्जरीज मतलब फाइव स्टार है पूरा सी स्मेल एकदम, यहाँ आदमी आराम से खाना खा सकता है बैठ के नॉर्मली, ये पूरा रेस्टोरेंट है इसको सी स्मेल बोलते हैं, रेस्टोरेंट है यहाँ पे आप खाना खाते हैं, कुछ पार्टीज करते हैं, पूरा पार्टीज करते हैं यहाँ पे। और ये इसका है रिसेप्शन जहाँ वेटर्स होते हैं, बहुत टीम्स होती है, स्टाफ्स होता है, सारा यहाँ पूरा है। और कभी भी आप आओ, मैं ये कहूँगा अगेन अगेन एंड अगेन, कभी भी आप आओ यहाँ पे तो विजिट जरूर करना, क्योंकि भाई मेरे को बहुत पसंद आया, मैं यहाँ खुद रुका हूँ, मैंने खुद स्टे किया यहाँ पे, बहुत मतलब मजा आया। और स्टाफ सबसे मेन होता है, स्टाफ आपको सर्विस कहते हैं, यहाँ के लोग बहुत हम्बल और बहुत मतलब लॉयल है किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब आप बात करोगे मतलब बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, आओ तो आपको फुल सर्विस देंगे अच्छी एकदम, जैसे कहते हैं लॉयल्टी के साथ बहुत प्यार के साथ। तो गाइज अब देखते हैं यहाँ का महफिल महल, तो गाइज ये है महफिल महल इसका, वाह लाइट जलने वाली। गाइज ये है यहाँ का महफिल महल जिसको बार बोल सकते हैं हम आपको, कुछ लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पे वाइन्स वोडका विस्की रम जो भी होती है वो तो यहाँ चिल करता है विद म्यूजिक के साथ में, यहाँ से आपको सर्व की जाएगी। और ये फैन काफी बड़े बड़े हैं यहाँ पे इसलिए है फैन गर्मी के लिए, अच्छा बस ये फैन सिर्फ ओनली गेस्ट के लिए ताकि गर्मी ना लगे। और यहाँ महफिल महल है, यहाँ बैठते हैं आराम से, यहाँ अपने आप को जो भी आप खाते या पीते हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं इस जगह बैठ के आराम से, इस तरह से आपने देखा होगा मूवीज में आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। भाई बहुत अच्छा लगा हकीकत में, यहाँ पे आप आओ जिसको भी देखना है आओ, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है जो गेस्टों के लिए काफी मतलब अपनी भूमिका निभाता है ना, उस तरह का स्विमिंग पूल है यहाँ पे। और स्विमिंग पूल इंटीरियर देखोगे ना बहुत प्यारा है, दिखाता हूँ आपको स्विमिंग पूल है, बहुत प्यारा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, लग्जीरियस में आता है भाई। अब तो ठंडी हो रही है, नहाने का कोई है नहीं बंदोबस्त, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है। तो गाइस यहाँ पे स्विमिंग पूल है ना, जो पूल है वो आप दिखाता हूँ कितना मतलब स्पेशल में एकदम अलग ही बना है, पहाड़ों से पानी हिल स्टेशन टाइप बना रखा है। और स्विमिंग पूल देख रहे हो आप इसी सेप, ऐसा लग रहा है कि अभी नहा लेना चाहिए यहाँ पे, वैसे देखिए ठंडी हो रही है ज्यादा, यहाँ आप इंजॉय कर सकते हो बैठ के आराम से, अगर वैसे कोई नहाने वाला है नहीं लेकिन नहाते हुए देखो लोगों को इंजॉय करते हुए चाय के साथ, काफी अच्छा बनाया है। आप इस होटल को आगे विजिट करें और इसका पूरा मतलब आनंद एकदम पूरा एंजॉय लें, इस होटल का बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, आपकी जेब भी